खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में भागदौड़ की शुरुआत हो चुकी है। कहीं रूठे को मनाना तो कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई रूपरेखा देना। बुधवार को कांटाफोड़ में श्रीजी गार्डन में भाजपा का विशाल संगठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वीडी शर्मा सहित जिला एवं स्थानीय राजनेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, स्वर्गीय नंदू भैया सांसद को दो दो वोट के पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देना है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमने टारगेट लिया है कि हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीते। हमारे संगठन काम की रचना, संगठन की ताकत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना है आज बोलना पड़े और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ इन मुद्दों पर हम ऐतिहासिक मतों के साथ मैंने कहा ना कि हर बूथ पर जीतने का हमारा संकल्प है तो हम इस चुनाव को प्रचंड बहुमत भाई साहब कांग्रेस में इस समय बवाल की स्थिति बनी हुई है। विधायक सुरेंद्र सिंह सेहरा है वो कह रहे हैं कि अरुण यादव तो जब आते हैं चुनाव सक्रिय होता तभी आते हैं, बाद में सक्रिय नहीं रहते। अब ये कांग्रेस का उनका अपना मामला है लेकिन कांग्रेस में तो कमलनाथ जी कहाँ यही पूछ रहे इस समय, ये देश में दुनिया में कहाँ यही पता नहीं देश के लोगों को, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वही यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष उनका ये का नहीं पता है और वो कांग्रेस के कमान सौंप गए मिस्टर भट्टाधार दिग्विजय सिंह तो सिरा जैसे ही लोग हैं कौन से। उनका ये भी कहना है अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो विकल्प खुला हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी में शामिल होते हैं और टिकट मांगते हैं तो आपकी पार्टी विचार करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत के साथ अपने दृढ़ संकल्पों के साथ और गरीब कल्याण की योजना के साथ मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से नहीं, हम तो 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं और ऐतिहासिक ही नहीं प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।